के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ आई बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर जांच केंद्र समेत करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आने वाले दिनों में 2 और स्वदेशी कोविड-19 टीके उपलब्ध होने वाले हैं, इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को लोकसभा में दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जयपुर में सोमवार सुबह एयरपोर्ट पर पहुंची एक युवती भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी पर हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक पर मांगी गई जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही राज्य में दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच नए दौर का कटराव शुरू हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल उन्हें भारत से बाहर जाते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद वह भारत से बाहर जा रही थी। तो ये थी आज की पांच बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।